ममता तिवारी, शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करते हैं। दरअसल आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने से पहले उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद भृतहरि महताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे और इसके बाद भृतहरि महताब संसद में नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। 280 सीटों की संख्या बताई जा रही है। सत्र शुरू होने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी शपथ लेंगे और उसके बाद कैबिनेट मंत्री और फिर सांसदों की शपथ होगी। पहले दिन 280 सांसद शपथ लेंगे और सत्र के पहले दो दिन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। और आपको बताते चले, 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का जहाँ चुनाव होगा तो वही 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। भाजपा नेता और 7 बार के सांसद रहे हैं, सदस्य रहे हैं भृतहरि महताब, वो नौ निर्वाचित जितने भी सांसद हैं उनको शपथ दिलाएंगे, ये भी बताते चले। साथ ही आपको बता दें कि ये सरकार गठित होने के बाद, एनडीए की तीसरी सरकार बनने के बाद यानी बीजेपी की, ये आज से पहला संसद सत्र शुरू होने वाला है। ये भी बता रहे हैं आपको, तीन जो तस्वीरें हैं उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि 24 से 25 जून तक नए सांसदों की शपथ की तारीख तय की गई है। लोकसभा अध्यक्ष 26 जून 2024 को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा जिसमें विपक्ष भी अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर रहा है। राष्ट्रपति महामहिम का अभिभाषण होगा। ये तीन तस्वीरों के जरिए आज का कार्यक्रम संसद में क्या क्या कुछ होने वाला है ये भी बताते चले कि 4 जून को सामने आने के नतीजे के बाद तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। 9 जून को पीएम पद की शपथ ली गई और मोदी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद सरकार का गठन हुआ, मंत्रिमंडल की शपथ हो गई और इस तरह अब देश के सामने है 18वीं लोकसभा और अब संसद सत्र की शुरुआत जिसमें आज अनेक कार्यक्रम होने हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले कि जमानत पर स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाला केस में जेल में बंद हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से की आज सुनवाई की मांग। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाया है स्टे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद भी अभी तक जेल के अंदर ही है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जमानत पर स्टे लगा दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से और ऐसे में आज उसी स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है अरविंद केजरीवाल ने। ऐसे में आज ही इस पूरे मामले पर सुनवाई की मांग केजरीवाल के वकीलों की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, 20 जून को बताते चले कि राउस एवेन्यू कोर्ट के द्वारा तिहाड़ जेल में बंद कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को रात 8 बजे बेल मिली थी। संभवतः यही था कि 21 जून को वो तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद ईडी ने, क्योंकि जैसा खबर आ रही थी निकलकर कि ईडी जरूर इस जमानत पर स्टे लगा सकता है, वैसा ही हुआ। हाई कोर्ट में रुक करते हुए ईडी ने साफ तौर पर कहा कि उसको मोहलत नहीं।